पबजी, ये नाम से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। और आज मेरा और पबजी का जो इतने सालों का जर्नी था उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आशा करते हो आप लोग पसंद करोगे, और अगर पसंद करते हो तो अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वन के तक पहुंचा देना। यही लास्ट विश है आपके लिए, और बस इतना ही। और वीडियो का भी आगे बढ़ाते हैं। कितने समय वेट किया इस पबजी 2.0 के लिए। जब समय आया कि हम लोग अभी 2.0 को देखेंगे, तभी बैन हो गया हमारा पबजी। हाय किस्मत, पता नहीं कब देखने को मिलेगा ये। हाँ, पबजी ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारा इमोशन था, ये हमारा ज़िंदगी, ये हमारा सब कुछ था। हाँ, इस बात उन लोगों को मालूम है जो पबजी लवर्स हैं, क्योंकि यही एक गेम था जो हमारा अकेला वक्त का साथ देता था। जब मैंने फर्स्ट इस गेम को लिया था, तब मुझे बस एक ही चीज़ आता था, और वो है दौड़ना। बस पबजी में मैं बस दौड़ता ही रहता था। प्ले जोन क्या है, कौन सा गन ऐसा है, मतलब कौन सा गन अच्छा है, कुछ भी मालूम नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे खेलना सीखा और फर्स्ट चिकन डिनर लिया था। यार सच कहूँ, वो भी क्या दिन थे। मतलब उस समय व्हाट्सएप में स्टेटस देता था मैं स्क्रीनशॉट करके कि यार देखो यार, फर्स्ट टाइम मैंने चिकन डिनर लिया है पबजी में। फिर धीरे धीरे मेरे सभी दोस्त इस गेम को खेलने लगे, और उनके साथ मैं भी पूरी रात खेलता था। ऐसा लगता था कि दोस्त मेरे पास ही है। कोरोना के टाइम इस गेम ने ही हम सभी दोस्तों को एक साथ रखा था। टाइम कैसे चला जाता था मालूम नहीं चलता था, क्योंकि हम सभी दोस्त एक ही साथ एक ही मैच में एक ही बॉयज में खेलते थे। यार सच में यार, पबजी को बहुत याद आएगा। हाँ मुझे मालूम है, कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट गेम को लिया था, मतलब इंस्टॉल किया था, जब सीज़न 2 चल रहा था। आरपी के बारे में मुझे घंटा मालूम नहीं था, और जब मालूम चला तब कैसे खरीदते हैं ये भी मालूम नहीं था। और दोस्त हंसते थे मुझ पे और बोलते थे, तुझे मालूम क्या है बे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने रॉयल पास खरीदा सीज़न 7 पर, वो भी 600 यूसी का, और सीज़न 8 पर मैंने पूरे 1800 यूसी का खरीद लिया, और दोस्त लोगों ने मुझे अंबानी कहना स्टार्ट कर दिया। यार फिर भी यार सच में वो भी क्या दिन थे। मैंने इस गेम के लिए 3 फ़ोन खरीदा, एक था टेक्नो, दूसरा था वीवो V7, और तीसरा जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ Poco F1। और घर वालों से बहुत डांट पड़ता था मुझे इस पबजी के लिए, फिर भी चलता था यार। पबजी तो खेल सकता था, मगर यार अब तो ये भी नहीं खेल पाऊँगा मैं। सच में यार वो भी क्या दिन थे। हम दोस्त लोगों ने एक टीम ही बना लिया था, और उसका नाम रखा फेज, जो अभी मेरे नाम के आगे है, फेज क्रेजी आरजे, जो आप सभी के मालूम होगा। उम्मीद है पबजी दोबारा आएगा, हम लोगों को फिर से एक साथ करेगा, क्योंकि पबजी से हमारा एक रिश्ता जो बन गया था। और आप लोग बताना आप कौन से सीज़न से खेलना स्टार्ट किया हो, क्योंकि यार मैंने तो सीज़न 2 से खेलना स्टार्ट किया है, तो आप लोग बताना आप कौन से सीज़न से खेल रहे थे। मेरे सारे दोस्त मुझे नूबरे बोलते थे, और जो मैं हूँ भी, फिर भी बॉट मारने के लिए मुझसे पहले चले जाते थे, और अगर गलती से भी मैंने मार दिया बॉट को तो गुस्सा हो जाते थे। सच में यार ऐसे मौज मस्ती होता था इस 30 मिनट की गेम पर, जिसका नाम पबजी था, और जिसे भाई अभी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो जाते जाते बताना कमेंट पर कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, और एक सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि यार आपका छोटा भाई का चैनल है, और थोड़ा बहुत कमेंट्रिया भी कर लेता हूँ मैं। और आप सभी के लिए
तो आप कैसा लगा, कैसा हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताना। और यार उम्मीद करो पबजी दोबारा फिर से आएगा, फिर से एक नया कंपनी को साथ लेके आएगा, क्योंकि यार चाइनीज़ तो यार इंडिया में अलाउ नहीं है अभी, अभी के लिए तो नहीं है, और आशा कर तो कभी भी नहीं होगा चाइनीज़ इस इंडिया में अलाउ। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो तब तब के लिए बाय बाय। और जाने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा के जाना। चलो बाय बाय।